हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब की किसी भी रिंगटोन को डाउनलोड करना और इसको सेट करना, तो दोस्तों आप इस वीडियो में बड़े आसानी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से यूट्यूब की किसी भी रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों उसको सेट कर सकते हैं। तो आइए समय ना गंवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं कि आप किस तरह से किसी भी रिंगटोन को डाउनलोड कर पाएंगे और इसको सेट कर पाएंगे। तो देखिए, चलिए उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया न्यू रिंगटोन, ठीक है, तो न्यू रिंगटोन मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रिंगटोन आने लगी हैं, ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं। तो इनमें से आपको देख लेना है कि कौन सी रिंगटोन डाउनलोड करनी, इस पर ऐड आ रहा है ये हटा दीजिए। चलिए दूसरी देख लेते हैं। अब ये रिंगटोन है, इस रिंगटोन को आपको डाउनलोड करना है अपनी गैलरी में, फिर आपको सेट करना है। तो मैं यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इसका क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इसका नेम यहाँ से पढ़ लेना है कि क्या नेम है। इसका नेम है सुप चेक रिंगटोन, ठीक है। अब ये इतना आपको याद रखना है, फिर आपको होम कर देना है। होम करने के बाद अब आपको आना है अपने गूगल बार में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मेरा गूगल बार, इस पर आप लोग आ जाइए। गूगल बार पर आने के बाद आपको टाइप करना होगा मोब कप रिंगटोन, जो कि आप सामने देख भी सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर रखा है। तो आप लिख दीजिए मोब कप रिंगटोन। जैसे ही आप मोब कप रिंगटोन टाइप करोगे, टाइप करने के बाद सर्च करना, फिर आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। फिर देखिए सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है, ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको क्या करेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये सामने आपके इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इनका सर्च बार है, सर्च बार में आपको क्लिक करना है, वही नाम सर्च करना है जो आपने देखा था। क्या नाम था, शुभ चेक, और आगे लिख दीजिए रिंगटोन, ये इतना कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च कर लोगे, सर्च करने के बाद ये देखिए आपके सामने ये आ गए हैं, ठीक है, सुनते हैं हम। तो देखिए एक रिंगटोन आपकी ये आ चुकी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए इस पर आप क्लिक करिए, क्लिक करने के पहले आपके सामने एक ऐड आ जाएगा, इसको यहाँ से स्किप कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, सेट अस रिंगटोन, डाउनलोड MP3 फॉर एंड्रॉइड, डाउनलोड MP4 फॉर आईफोन। तो रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ से सेव आपकी सेट नहीं हो पाएगी। अगर आप सेट करोगे तो ऐप डाउनलोड के लिए बोलेगा, बट हमें कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। तो दोस्तों पहले इसको आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड वाले पे क्लिक करिए। जैसे ही आप डाउनलोड वाले क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये नीचे दे सकते हैं हमारी डाउनलोड हो गई है, ठीक है, ये आप सामने यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। चलिए इसको प्ले करके मैं आपको सुनवा देता हूँ एक बार। ओपन पर क्लिक किया हमने, देखिए होगी डाउनलोड। अब आपको क्या करना है, यहाँ से होम करना, अभी हमारी आ गई गैलरी में। अब देखिए आपको क्या करना, अब चलना होगा आपको अपनी सेटिंग पर। तो मैंने अपनी सेटिंग ओपन कर ली, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। फिर देखो आपके जब नीचे स्क्रॉल करोगे, ऊपर नीचे आपके एक ऑप्शन आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए सबसे ऊपर एक इसमें ऑप्शन आ रहा है रिंगटोन का, आपके में भी आ रहा होगा, तो रिंगटोन पर आप क्लिक कर लीजिए। रिंगटोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, एक तो मोबाइल में पूछेगा, एक प्री इंस्टॉल वाली। तो हमें क्या अपनी लोकल वाली करनी है, हमारे मोबाइल वाली करनी है, तो चोस लोकल रिंगटोन पर क्लिक कर दीजिए। कहाँ पे होगी हमारी, जाहिर सी बात है फाइल मैनेजर में रखी होगी, तो फाइल मैनेजर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं जो मैंने अभी डाउनलोड की है आपके सामने, चेक शुभ, ठीक है, और टाइमिंग भी दे सकते हैं आप। ये देखिए अभी मैंने डाउनलोड की थी, तो चलिए इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके हम कर देंगे। जैसे ही आप ओके करोगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आ जाइए माई रिंगटोन में, अभी सेट नहीं हुई। अब इसको पहले हम सुन लेते हैं। यही है, तो इसको क्या करेंगे हम, अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सेलेक्ट दिस रिंगटोन, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये देखिए ये आइकन आ गया, यानी कि आपकी जो रिंगटोन है ये लग चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह खास वीडियो, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी और आप सीखे होंगे कि किस तरह से हम यूट्यूब से रिंगटोन को सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।